अब हम लोग मंदिर तो से निकलने के बाद यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ शिवलिंग के पास। यहाँ पे अगरबत्ती जलाया जाता है और इसके जस्ट बगल में माँ छिन्नमस्तिका का फोटो रखा हुआ है। अब हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं मंदिर से। अब हम लोग बाहर प्रवेश कर रहे हैं और इसके जस्ट बाहर है भैरवी नदी। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और उस नदी को आपको दिखाते हैं कि वहाँ का सीन कैसा है। तो चलिए चलते हैं। और जस्ट यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये देखिए दो तीन दुकान हैं और यहाँ पे शायद बगल में एक होटल भी है खाने की सुविधा। और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं नदी के साइड। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा है। और उस साइड पहले यहाँ पे पुल भी नहीं बना हुआ था, लेकिन अब पुल बन चुका है और यहाँ से नदी बह रही है। अब हम लोग दूसरे जगह आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है। शायद वहाँ पे जो बकरा कटता है उसका मतलब खून इधर ही आके मतलब पानी में मिलके गिरता है, तो शायद वहाँ पे बहुत स्मेल कर रहा था। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे दुकान साइड आ चुके हैं, वहाँ से निकल रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि सबको भूख भी लग चुका है। और हम यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले निकलते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं, देन फिर आगे उधर जो मंदिर है वहाँ पे भी जाएंगे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपको सभी भगवान का दर्शन करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। नाउ अब यहाँ पे मम्मी सिंदूर ले रही है, तो थोड़ा देर रुकते हैं उसके बाद चलते हैं। अब सिंदूर के बाद प्रसाद की बारी आ चुकी है, अब थोड़ा प्रसाद खरीद लेते हैं बिकॉज घर तरफ भी किसी किसी को देना होगा। निकल रहे हैं यहाँ से, अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं इधर मंदिर में आपको सभी भगवान का दर्शन करवाने। चलिए चलते हैं, आपको सभी भगवान का दर्शन कराते हैं। यहाँ से आरती आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मुझे पता तो नहीं है मतलब नाम सारे भगवान का। ये शायद शनि भगवान है। यहाँ से आप लोग सीन देखिए और यहाँ पे शायद कमल खिला हुआ है। से निकल रहे हैं क्योंकि सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अंकल मना कर रहे हैं जाने के लिए बिकॉज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मंदिर तो खुला हुआ है लेकिन ये लोग थोड़ी बदमाशी करते हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग यहाँ से सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद तुरंत मंदिर में प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन भगवान। देखिए पंडित जी गेट पे ही बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रणाम कर लिया। और उसके बाद ये देखिए पता नहीं क्या है लेकिन पूजा किया हुआ है यहाँ पे। और अब ये आ गए भगवान। जो आज का वीडियो मिस करेंगे वो मतलब पूरा रजरप्पा का जो प्यारा व्यू वो ही मिस कर देंगे, क्योंकि यार आज मैं सभी भगवान का दर्शन करवा रहा हूँ तो वही मेन है सबके लिए। कोई भी व्यूवर हो, सबसे मेन है उसके लिए सभी भगवान का दर्शन करना और वही मैं करवा रहा हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं महादेव के पास। ये देखिए यहाँ पे कितना मतलब अच्छे से बनाया हुआ है, वो भी पत्थर में बनाया हुआ है। और उसके जस्ट बगल में है शिवलिंग।
और अब यहाँ से निकलते हुए हम लोग उसके बगल वाले मंदिर में आ चुके हैं, और यहाँ पे कैमरे से दिखाना मना है, कि मुझे बाद में पता चला जब मैं ऊपर दिखा चुका था। और वहाँ पे भगवान के बगल में मतलब एक ऋषि बैठे हुए हैं, जो मतलब ऐसा लगता है कि वो सीधा हम ही को देख रहे हैं, तो उस टाइम लगा कि मतलब वहाँ से कोई बैठ के देख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा मतलब डरा था। उसके बाद कैमरा नीचे रख लिया था, फिर बाद में देखने के बाद पता चला कि नहीं, वहाँ पे कोई ऋषि बैठे मतलब बैठ के तप कर रहे थे, तो वो वहीं पे मतलब रह गए। बजरंगबली के पास अब हम लोग आ चुके हैं, और ये है राधे कृष्ण भगवान। फोकस 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 लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और उसके जस्ट अपोजिट में है शिव भगवान, पार्वती माता है, और उधर तीन चार भगवान हैं। उसके बाद इसके अपोजिट में भी कोई, ये विष्णु भगवान है, और इनके अपोजिट में है, पहले देख लेते, दुर्गा माँ है। और अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और अब